हम लोग अभी तक कैपेसिटर के एच सी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 42 तक देख चुके हैं ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, क्या बोल रहा है। ए लार्ज कंडक्टिंग प्लेन, ए लार्ज कंडक्टिंग प्लेन हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी 1×10⁻⁴ कूलाम। क्या बोल रहा है, सिग्मा दिया हुआ है एक कंडक्टिंग प्लेट का कितना, 1×10⁻⁴ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा का वैल्यू जो है वो गिवन है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज 1 mm। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है हाँ, जिसका सिग्मा इतना है। हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज 1 cm इन फ्रंट ऑफ प्लेन। क्लियर है। ये क्वेश्चन बनाने से पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 41 को प्रिफर करते हैं तो ये वाली सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को बनाने से पहले अगर आप 41 को बना लेते हैं, बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, वो पहले का सवाल है। लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो पहले आप 41 को बनाए, फिर आपको 43 आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 बोलता फिर क्या है, बोल क्या रहा है। ये हमारा कंडक्टिंग प्लेट है, ये हमारा मान लीजिए पॉइंट पी है, जहां पर एज जो है यहां से इसका लेंथ कितना है, मान लीजिए ये लेंथ दिया हुआ हमारा ए। क्लियर है। यहां पे क्यूब बन रहा है, यहां पर जो है एज एज पैसे लेकर के क्यूब हम लोग बना रहे हैं, जिस क्यूब में हमको एनर्जी स्टोर निकालना है। क्लियर है। अगर हम लोग देखें ढंग से तो ये हमारा पैरेलल प्लेट आइसोलेटेड कैपेसिटर के जैसा एक ही प्लेट है ना, हमारे पास दो प्लेट तो है। कैपेसिटर होने के लिए कितना प्लेट का रिक्वायरमेंट होता है, दो। लेकिन अगर हम लोग आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात करते हैं तो वहां पे हमारा दूसरा प्लेट हम लोग इंफिनिटी पे भी रख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेट है। क्लियर है। और दूसरा हम लोग मान लिया इंफिनिटी पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर कोई प्लेट है ये पॉइंट पी है जो कि मान लेते हम लोग ए डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है, तो और इसके पास चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा है, तो इसके कारण इस कनेक्टिंग प्लेट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा। हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, तो वी इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और डी यहाँ पे हमारा क्या है, तो सर ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, भी है हमारे पास। अगर हमको एनर्जी निकालना है, एनर्जी स्टूडेंट कैपेसिटर क्या होता है भैया, तो हाफ सी बी का स्क्वायर। क्या हमारे पास कैपेसिटेंस है आइसोलेटेड कैपेसिटर का, तो हम लोग बोलेंगे सर अभी तो नहीं है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या होता है सी इक्वल टू, हम लोग क्या बोलते हैं, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी है ना। अच्छा आगे बताइए, क्यू बाई बी और बी इक्वल टू क्या होता है बताइए, तो ई इंटू डी। जरा वैल्यू डालते हैं हम लोग, क्यू के जगह पर क्यू डाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, प्लेट के कारण ना, इंटू डी, और डी कितना है, हम लोग बोलेंगे ए है ना, एज लेंथ है ना। अच्छा सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, तो ये हो गया चार्ज और इधर एरिया, क्यू से क्यू कट गया, क्या आ गया वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट ए बाय ए, क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय ए, ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस। और क्या हमारे पास भी है, हम लोग निकाल चुके हैं, कैपेसिटेंस है हमारे पास, पोटेंशियल का डिफरेंस है हमारे पास, तो क्या हम लोग
एनर्जी निकाल सकते हैं, एकदम से हम लोग एनर्जी को निकाल सकते हैं। क्या बोलेंगे, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सी वी का स्क्वायर। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हाफ, और सी का वैल्यू कितना है तो हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी, और वी इक्वल टू कितना है तो हम लोग बोलेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्लियर है, और इसका क्या स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर ना। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, कितना देगा हमको हाफ ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और डी कितना हमारा ए, तो चलिए हम लोग ए लिख लेते हैं यहां पर, ए इंटू सिग्मा का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का स्क्वायर ना। क्लियर है, अब देखिए एक ए से एक ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या बच गया हाफ सिग्मा का स्क्वायर, हाँ इधर एरिया इंटू ए, एरिया इंटू ए, हाँ बाय क्या दिखा हमको एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो, लिख सकते हम लोग इसको हाफ सिग्मा का स्क्वायर, एरिया इंटू ए क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन नॉट, बाय कितना एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ गया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को डाल देंगे तो हमारा एनर्जी निकल जाएगा। तो जरा हम लोग निकाल लेते हैं हाफ, अच्छा सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, सिग्मा इक्वल टू क्या दिया हुआ, सिग्मा किधर गया मेरा, इधर, सिग्मा का क्या स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, एज लेंथ है 1 mm, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 1 × 10⁻⁴ और −4 = 3 ना, ये हो गया 3 मीटर में कन्वर्ट हो गया ये, और इसका क्यूब। ओह थोड़ा सा मिस्टेक है, जरा देखिए तो वैल्यू इक्वल टू 1 mm ना दिया हुआ है, 1 cm है ना, 1 cm है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 10⁻²। अच्छा अब क्या डिवाइडेड बाय क्या एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 × 10⁻²। अच्छा अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा, हाफ इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 8.85 × 10⁻²। ना अब जरा हम उसको सॉल्व करते हैं, आप लोग थोड़ा देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि अगर नीचे 12 है ऊपर 8 और 6 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 10⁻², हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 8.85। क्लियर है, हम लोग अगर ऐसा लिखे इसको 100 × 10⁻⁴ बाई 2 × 8.85, तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम। क्या कि हम लोग 100 से इंटू किए और 100 से डिवाइड भी कर दिए, तो ये हमको दिखा। अब इससे इसको काट दीजिए आप, ये क्या हो गया हमारा 50, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 50 × 10⁻⁴ बाय 8.85। अब इससे हम इसको काट देंगे तो ये वैल्यू हमको क्या दे देगा 5.65 × 10⁻⁴ 5.65 × 10⁻⁴, और निकाल क्या रहे थे हम लोग एनर्जी, तो यूनिट क्या आ जाएगा हमारा जूल। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। थोड़ा ट्रिकी था ना, थोड़ा सा मतलब समझदारी होना चाहिए आप फॉर्मूला निकाल सके। वैसे आप फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं, अगर आप फॉर्मूला याद रख लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है 1³, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाया है हम लोग ए का क्यूब। क्लियर है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 44 के पास चलते हैं। क्या बोलता है ये सवाल, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 20 cm² बोला, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया जो है वो दिया हुआ है 20 cm², मतलब ये कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे 20 × 10⁻⁴
मीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना गिवन है। अब क्या बोलता है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट आर 1 mm, और इसके बीच का जो सेपरेशन है मतलब डी, हम लोग बोल रहे हैं डी वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है। क्लियर है। अब सवाल क्या बोलता है, इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, इसको कितना पोटेंशियल सप्लाई किया गया है, तो सर 12 वोल्ट का पोटेंशियल इसको सप्लाई किया गया है। ए प्लेट आर पुल्ड अपार्ट टू इंक्रीज द सेपरेशन 2 mm। अब क्या किया गया है, इस प्लेट को खींचा गया है ना, जैसा भी था उसे खींच के जो सेपरेशन है हमारा वो कर दिया गया है 2 mm, मतलब इंक्रीज कर दिया गया है सेपरेशन को। क्लियर है, यहां तक था सवाल। अब पूछता है करना क्या है, कैलकुलेट द चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस, चार्ज कितना फ्लो करेगा ड्यूरिंग द सर्किट, ये आपको निकालने के लिए वो बोल रहा है ए पार्ट में, कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज फ्लो करने से पहले सबसे पहले हम लोग इनिशियल कैपेसिटेंस और बाद के कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं ताकि हमको आगे हेल्प हो। तो इनिशियल कैपेसिटेंस अगर हम लोग बोल रहे हैं सी आई, तो इनिशियल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पहले प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको डी वन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई डी वन, डी वन कितना 1 mm, मतलब 1 × 10 का पावर माइनस 3। अब देखिए यहां से जीरो हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 3, 10 का पावर माइनस 3, 10 का पावर माइनस 3 कट गया, ये वैल्यू हमको क्या दिख जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या दिख जाएगा, 5 × 10 8 × 16 8 × 16 = 17, ये दिख जाएगा हमको इतना इंटू 10 का पावर माइनस 12, और ये दिखेगा हमको क्या दिख जाएगा, 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 11। फिर इसी तरह से हम लोग C2 भी निकाल लेते हैं, जरा ये सब काम देगा वैल्यू, इसीलिए हम लोग निकाल रहे हैं। C2 का मतलब बाद का जो है कैपेसिटेंस कितना हो जा रहा है, जब सेपरेशन बढ़ जा रहा है फाइनल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कितना हो जाएगा बताइए, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टू, तो ये सी एफ कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12 इंटू 20 इंटू 10 का पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई डी टू कितना 2 mm, तो 2 × 10 का पावर माइनस 3। अगर ध्यान से देखें हम लोग तो ये वाली बात और ये वाली बात सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर हमारा डी वन इक्वल टू 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग कैसा लिख सकते हैं, हम लोग कि ये वैल्यू हमारा आएगा 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा इतना फेराड, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0.88 इंटू 10 का पावर 0.88 इंटू 10 का पावर माइनस 11 फेराड। क्लियर है, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस फाइनल। अब क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, सवाल को अच्छे से समझते हैं हम लोग, हाँ क्या बोल रहा है, आप निकालने के लिए क्या बोल रहा था कि सर चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा, सोच के बताइए, तो कि पहले का कैपेसिटेंस कितना है, इनिशियल कैपेसिटेंस है हमारे पास 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 11 फेराड, बाद का कैपेसिटेंस कितना है 0.88 इंटू 10 का पावर माइनस 11 फेराड। तो जरा सोच के बताइए कि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज, तो हम लोग बोलेंगे सर कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा है। अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, हम लोग बोलेंगे चार्ज क्यू फ्लो करेगा, और चार्ज क्यू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे C1V - C2V। इसका क्या मतलब हुआ, शुरू में कैपेसिटर जो था इतना चार्ज स्टोर करके रखा था, C1V का मतलब हम लोग बोल रहे हैं सी इनिशियल कैपेसिटेंस इंटू भी, और C2V का मतलब क्या है, सी फाइनल कैपेसिटेंस इंटू भी।
मतलब शुरू में इतना चार्ज स्टोर करके रखेगा, बाद में इतना कर पाएगा। तो जो शुरू का चार्ज जो स्टोर होगा वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो फ्लो कर जाएगा, और फ्लो करके कहाँ चला जाएगा सर, बैटरी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बैटरी में चला जाएगा, या फिर हीट करेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे ये वर्क डन होने में हेल्प करेगा। क्लियर? तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताइए तो क्या हो जाएगा। Q इक्वल टू तो C1 V का मतलब क्या हो गया सर, V को तो कॉमन निकाल दो सबसे पहले, कि क्या बच जाएगा, C इनिशियल माइनस C फाइनल ना। अच्छा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V का वैल्यू कितना, 12 इंटू C इनिशियल। C इनिशियल कितना हमारे पास, 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 11, और फाइनल क्या है, 1.76 बाय 2 इंटू 10 का पावर माइनस 11। अच्छा जरा इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या दिखेगा, 12 इंटू 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 11 बाय 2, अब ये 2 से ये कट गया, ये हो गया 6। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जरा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.06 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कूलम्ब, 1.06 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कूलम्ब। तो चार्ज निकल गया हमारा। अब क्या बोलता है, अब क्या बोलता है अगला काम करने के लिए, ए हो गया पार्ट। बी में क्या बोलता है, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द बैटरी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब क्या हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये चार्ज फ्लो कर जा रहा है, कहाँ कहाँ चला जा रहा है, फ्लो करके तो वापस से बैटरी में चला जा रहा है। तो वर्क डन ऑन बैटरी क्या हो जाएगा, तो वर्क डन ऑन बैटरी क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी। अब हमारे पास क्यू का वैल्यू है, हमारे पास क्यू का वैल्यू है, क्यू इक्वल टू कितना, 1.06 इंटू 10 का पावर माइनस 10 इंटू वी, और वी कितना है, 12। अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12.76 इंटू 10 का पावर माइनस 10 जूल, इंटू 10 का पावर माइनस 10 जूल। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी ना। चलिए ठीक है, बहुत सारा पार्ट है, हम लोग एक करके सॉल्व करेंगे इसको। अगला क्या बोलता है, कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर आपसे इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछा है, हम बोल रहे हैं क्या कि कैपेसिटर में पहले एनर्जी स्टोर था ई इनिशियल, ई इनिशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 C1 V² तो ये वैल्यू क्या आएगा, C1 का वैल्यू कितना, देखिए तो 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 11 इंटू वी, वी कितना है 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 ये इससे कट गया तो ये हो गया 6, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 72 इंटू 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 11। अच्छा जब हम इस वैल्यू को अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको क्या दिख जाएगा, 12.7 इंटू 10 का पावर माइनस 12.7 इंटू 10 का पावर माइनस 10 जूल। क्लियर है? इसी तरह हम लोग एनर्जी फाइनल भी निकाल सकते हैं, हम लोग फाइनली क्या हो रहा है एनर्जी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1/2 C2 इंटू वी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सर, 1/2 C2 का वैल्यू कितना है, 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 11 बाई 2 ना, इंटू वी, वी अब कितना है यहाँ पर वापस से 12 इंटू 12, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो 36 इंटू 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 11। अच्छा ये वैल्यू जो हमारा कितना आ जाएगा, 6.35 इंटू 10 का पावर माइनस 10, ये हो गया एनर्जी फाइनल स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये हो गया। क्लियर है? अच्छा अब क्या पूछता है आपसे, ए बी सी तक पहुंच गए हम लोग। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट, फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुल्ड पुलिंग द प्लेट अपार्ट। क्या बोलता है, कितना हमको पर्सन को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पर्सन को कितना वर्क डन करना पड़ेगा क्या करने में,
क्या करने में इस प्लेट को, जैसे भी प्लेट 1 mm पे था, अब इसको हम लोग खींच के कहां पे लाए, हम लोग 2 mm पे लाए। क्यों लाना पड़ा, वो खींचना क्यों पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यू चार्ज स्टोर करेगा, ये माइनस क्यू, और क्यू माइनस क्यू क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर हमको इसको सेपरेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हम लोग क्या बोलेंगे कि शुरू में एनर्जी कितना था कैपेसिटर के पास, 12.7 × 10⁻¹⁰ जूल, बाद में क्या हो गया 6.35 × 10⁻¹⁰ जूल। तो वर्क डन बाय पर्सन कितना करना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय पर्सन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन बाय पर्सन कितना करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी जो होगा उसमें इनिशियल एनर्जी को क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे। बोले तो ये बोल रहे हैं हम लोग कि सर ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ये हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो इनिशियल कितना था बताइए, तो हमको 12.7 × 10⁻¹⁰ और फाइनली क्या हो जा रहा है 6.35 × 10⁻¹⁰। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 6.35 × 10⁻¹⁰ जूल, ये हमको वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है, ये हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 जो है, अब कुछ और निकालने के लिए नहीं बोल रहा है। क्लियर है, तो यहां तक हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 44 तक, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफेराड चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, क्या बोलता है, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको अभी चार्ज किया गया है 24 वोल्ट से। कैपेसिटर कितना है, 100 माइक्रोफेराड का। क्लियर है, अब क्या बोलता है, द चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड। अब क्या करें आप, चार्जिंग बैटरी को डिसकनेक्ट कर दीजिए एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनदर बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ज्वाइन विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर है, मतलब क्या बोल रहा है, अब बोल क्या रहा है कि ये जो कैपेसिटर है इससे आप बैटरी को रिमूव कर दें और एक और दूसरी बैटरी को डालें जो बैटरी का EMF 12 वोल्ट हो। क्लियर है, और वही कैपेसिटर है। अब क्या क्या सवाल पूछता है जरा हम लोग देखते हैं। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द रिकनेक्शन। चलिए अभी इसके पास चार्ज कितना है, आपसे चार्ज पूछ रहा है आफ्टर एंड बिफोर, तो अभी चार्ज कितना है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे चार्ज Q1 है तो क्या हो जाएगा C × V1, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे C का वैल्यू सर 100 × 10⁻¹⁶ माइक्रोफेराड में है ना, इंटू बी, बी कितना 24, तो ये क्या आ गया Q1 = 2400 × 10⁻¹⁶ और Q1 = 2400 μC। क्लियर है, उसी तरह से हम लोग Q2 भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो Q2 = क्या हो जाएगा सर, तो हम लोग बोलेंगे Q2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे सर C × V2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, C कितना है सर, ये C तो 100 μF है, इंटू V कितना है यहाँ पर 12 है, तो Q2 = क्या हो जाएगा 1200 μC। ये हमारा हो गया पार्ट ए। क्लियर है, अब क्या बोलता है पार्ट बी में, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी, कितना चार्ज फ्लो करेगा 12 वोल्ट बैटरी से, कितना चार्ज फ्लो करेगा 12 वोल्ट बैटरी से, ये आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है।
जरा बताइए तो सोच के हमको, यहाँ पर चार्ज कितना है 2400 माइक्रो कूलम, यहाँ पे कितना है 1200 माइक्रो कूलम। क्लियर है? अभी इसके पास था 2400 माइक्रो कूलम, बाद में हो गया 1200 माइक्रो कूलम। तो बताइए जरा, 24 से 12 हो गया तो चार्ज कहाँ चला जाएगा? सर चार्ज फ्लो कर जाएगा। चार्ज क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा ऑन द बैटरी की थ्रू द बैटरी, हम लोग बोलेंगे ऑन द बैटरी। चार्ज क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। तो चार्ज फ्लो ऑन द बैटरी क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे बी पार्ट। चार्ज फ्लो कितना कर जाएगा? हम लोग बोलेंगे 2400 माइक्रो कूलम माइनस 1200 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, ये क्या दे देगा हमको, क्या दे देगा? 1200 माइक्रो कूलम। क्लियर है? अब क्या बोलता है, बी पार्ट हो गया हमारा, इज वर्क डन बाय द बैटरी और इट इज डन ऑन द बैटरी। क्या बोल रहा है? क्या बैटरी वर्क डन कर रहा है यहाँ पे? 12 वोल्ट बैटरी जो है वो वर्क कर रहा है कि इस पर वर्क किया जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी इसके पास चार्ज कितना था सर? इसके पास था 2400 माइक्रो कूलम, बाद में क्या हो गया यहाँ पर बताइए तो 1200 माइक्रो कूलम। क्लियर है? इधर की तरफ कितना हो जाएगा तो 2400 माइक्रो कूलम, यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे सर माइनस ऑफ 1200 माइक्रो कूलम। तो क्या है, चार्ज जो है वो कम हो गया। कम होने का मतलब क्या है कि बैटरी जो है हमारा 12 वोल्ट को सप्लाई किया होगा कि बैटरी से होके गया होगा। तो हम लोग बोलेंगे बैटरी से होके गया होगा। कहने का मतलब क्या है कि सर 1200 माइक्रो कूलम चार्ज मेरा फ्लो कर गया होगा ऑन द बैटरी, मतलब वर्क डन ऑन द बैटरी है। क्लियर है? वर्क डन ऑन द बैटरी, सी में हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क डन ऑन बैटरी है। क्लियर है? अब पूछता है कि वर्क डन कितना करेगा सर, तो वर्क डन कितना करेगा, हम लोग बोलेंगे वर्क डन ऑन बैटरी है ना, तो माइनस ऑफ क्या, हम लोग बोलेंगे क्यू इंटू बी। माइनस का मतलब क्या बता रहा, ऑन है ना, नहीं मिले तो कोई दिक्कत हमको नहीं, बस ध्यान रखिएगा कि ऑन द बैटरी। कितना वैल्यू हो जाएगा, क्यू कितना है बताइए जरा, 1200 माइक्रो कूलम इंटू बी, और बी कितना है सर, तो वापस से 12। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा हमको, 1200 इंटू 10 का पावर -6, और ये वैल्यू क्या देगा, हम लोग बोलेंगे 14.4 मिली जूल। क्लियर है? 14.4 मिली जूल दे देगा। क्लियर है? ये हो गया वर्क डन ऑन बैटरी। डी में क्या बोलता है, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी, बी सी हो गया डी ना, फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। डिक्रीज इन एनर्जी पूछ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी मतलब यहाँ पे एनर्जी कितना है, यहाँ का एनर्जी कितना है और कितना डिक्रीज कर गया। मतलब अगर यहाँ का एनर्जी हम लोग बोल रहे हैं इनिशियल, इन इनिशियल, और यहाँ का बोल रहे ई फाइनल, तो आपसे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ई फाइनल इनिशियल माइनस ई फाइनल, चेंज निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। क्या बोल रहा है डी पार्ट में, वो आपसे डी पार्ट में क्या बोला है कि E इनिशियल माइनस E फाइनल आप फाइंड आउट करके दिखाइए, बोले तो चेंज फाइंड आउट करके, चेंज इन एनर्जी बोला है फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी और इन कैपेसिटर निकाल लेंगे। तो इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर कितना, तो हाफ सी वी वन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा सर, हाफ सी का वैल्यू क्या है, 100 माइक्रो फैराड। क्लियर है? इंटू भी वन, भी शुरू में कितना 24 ना, ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 24, इससे ये कट जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 12। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या दिखेगा हमको, 24 इंटू 12 जो है ये हमारा हो जाएगा 28600 हो गया, ये वाला बात इंटू 10 का पावर कितना -6, और हम क्या बोल सकते हैं इसको 28.6 मिली जूल। ठीक है? ये हो गया हमारा ई इनिशियल। इसी तरह से हम लोग ई फाइनल फाइंड आउट कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा हमको सर, हाफ सी इंटू वी टू का स्क्वायर।
और E फाइनल क्या हो जाएगा हाफ। C का वैल्यू क्या है 100 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू वी टू कितना 12, ये हो गया 12 इंटू 12। इसे इसको काटे तो 6 12 6 क्या हो गया ये 72 और 2 0 इंटू 10 का पावर माइनस 6 हम क्या लिखेंगे इसको 7.2 मिली जूल। अब हमसे पूछा क्या था वो रियली में सर चेंज पूछा था ना चेंज इन एनर्जी, तो बताइए तो जरा हमको चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन एनर्जी जो है ए बी सी डी पार्ट था हमारा, चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा हम लोग बोलेंगे ई इनिशियल माइनस ई फाइनल और कितना हो जाएगा ये वैल्यू इनिशियल कितना है बताइए 28.6 मिली जूल और फाइनली कितना है 7.2 मिली जूल। अब जरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या दे देगा 21.4 मिली जूल, देखा ना 21.4 मिली जूल। ये हो गया चेंज, बोले तो डी हमारा जो है वो हो गया। अब क्या पूछा है जरा ई पार्ट में इसका हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द हीट डेवलप ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर रिकनेक्शन, क्या पूछ रहा है जब हम लोग रिकनेक्शन कर देंगे तो हीट का प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, जब हम लोग रिकनेक्शन करेंगे तो हीट का प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, आपसे ये जो है बात वो पूछ रहा है। तो कितना होता है हीट प्रोड्यूस्ड जरा हम लोग देखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस्ड का आपको हम बतलाते हैं, होता क्या फॉर्मूला हीट प्रोड्यूस्ड का ये होता है हमारा, हम इसको भी मिटा सकते हैं। अब ये होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, क्लियर है। अब बताइए यहां पे बाय बैटरी है आपका वर्क डन के ऑन बैटरी, तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑन बैटरी है ना, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे माइनस ऑफ 14.4 क्योंकि बाय बैटरी नहीं है ना ऑन बैटरी है इसीलिए माइनस हो गया। अब माइनस ऑफ कितना ई फाइनल, ई फाइनल क्या आ रहा था हमारा 7.2 ये आ रहा हमारा 7.2 मिली जूल, सब मिली मिली हुई है ठीक है ना। माइनस ऑफ ई इनिशियल, इनिशियल एनर्जी कितना था 28.6 क्लियर है। अब ये माइनस से हो जाएगा ये हमारा माइनस और ये क्या हो गया प्लस। अब जरा बताइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या दिखेगा इससे इससे ये एड अप हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा 21.6 ना, हाँ 21.6 प्लस 28.6 और ये वैल्यू हमको क्या दिख जाएगा सर हम लोग बोलेंगे 7 मिली जूल दिख जाएगा, क्लियर है। ये हमारा आ गया हीट प्रोड्यूस। थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, वर्क डन ऑन बैटरी जो है वो 14.4 ना होके 14.2 था हमारा, क्लियर है 14.4 ना होके 14.2 था। तो जब आप लोग सॉल्व करिएगा इसको तो ये आएगा हमारा ये हो जाएगा 21.4 और ये आ जाएगा 7.2। थोड़ा मेथड पूरा सही था बस थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक था, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप कि वर्क डन ऑन बैटरी कितना है सर 14.2 है नॉट 14.4 है, ठीक है चलिए फिर ठीक है। क्या आ गया हमारा हीट प्रोड्यूस्ड, ओके। तो ये हमारा जो है पार्ट ई भी हमारा हो गया, तो चलिए ठीक है अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक ही करेंगे ठीक है, सब तक के लिए बाय बाय गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर कैरियर, ओके। चलिए अच्छा से पढ़िएगा आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए सवाल को।